होम शेफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजेदार रेसिपी पाने के लिए। आज हम बना रहे हैं कोकनी स्वीट नारियल पाक। नारियल पाक बनाने के लिए हमें चाहिए एक भरा नारियल खुर्चा हुआ, सफ़ेद रवा पाव किलो, 300 ग्राम चीनी, एक टीस्पून इलायची पाउडर, एक गिलास पानी, घी 100 ग्राम। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं नारियल पाक। नारियल पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में एक टेबल स्पून घी डालेंगे, घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया, अब हम उसमें रवा डालेंगे। रवे को मीडियम आंच पर भून लेंगे। हमारा रवा लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे। यह अब रवा हमारा भूनकर तैयार हो गया। अब हम रवे को एक बर्तन में निकालेंगे। अब बर्तन में फिर से घी डालेंगे, घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया, अब हम इसमें खुर्चा हुआ नारियल डालेंगे और नारियल को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, एक मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। नारियल, चीनी और पानी को अच्छे से चाशनी की तरह होने तक पकाएंगे। एक गिलास पानी डाले वो आधा होने तक पकाएंगे। ये अच्छे से पककर चाशनी की तरह बनकर तैयार हो गया। नारियल और चीनी पककर तैयार हो गया। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे। चिपचिपा सा हो गया। इसमें भुना हुआ रवा डालेंगे और इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि हम आप चम्मच हिलाएंगे तो नारियल पाक का बैटर बर्तन से छूटने लगेगा। ये देखो इसी तरह होना चाहिए। ये अब हमारे नारियल पाक बनकर तैयार हो गए। अब हम एक थाले को घी से ग्रीस करेंगे और नारियल पाक का बैटर थाले में निकालेंगे। ऐसे फ्लैट वाले प्याले को घी लगाएंगे और ये प्याले की मदद से नारियल पाक को अच्छे से फिनिशिंग देंगे। इसको ठंडा करेंगे और नारियल पाक के पीस बनाएंगे। ये हमारा नारियल पाक बनकर तैयार हो गया। ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करना न भूलें।